जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। जी बिल्कुल, आज हम आपके साथ एयरफोर्स की जानकारी के लिए, जी बिल्कुल, एयरफोर्स एक्स एंड वाई की नई भर्ती की पूरी संपूर्ण जानकारी, बच्चों के लगातार आ रहे क्वेरीज, हाउ वी हैव टू प्रिपेयर, हाउ मच टाइम वी आर स्टिल लेफ्ट, मतलब कितना समय बचा है नेक्स्ट वैकेंसी के लिए, कैसे फॉर्म करें, कैसे टारगेट करें, कितना पढ़ना है, पूरी बात करेंगी आज आपके साथ कायनात मैम इस पूरी वीडियो में। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। तो आप जो भी बच्चे एयरफोर्स एक्स वाई एज एन एयरमैन सोल्जर बनने का सपना इंडियन एयरफोर्स में देख रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी जानकारी है जो कि आपको पता चलेगी फॉर्म रिलेटेड जानकारी से लेके पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर टू एवरीथिंग। आज हम बात करेंगे सबसे पहले 2023 में एयरफोर्स की बैच वन की भर्ती कब आएगी। जी इस बैच वन की जो भर्ती आएगी वो सेकेंड वीक ऑफ जनवरी आएगी, दूसरे हफ्ते में जनवरी के इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे एंड टिल द सेकेंड वीक ऑफ फेब्रुअरी द एप्लीकेशन वुड बी एंड, मतलब सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में आपके एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे और आपकी एप्लीकेशन लास्ट डेट जो होगी वो सेकेंड वीक ऑफ फेब्रुअरी 2023 के नए बैचेस के लिए होगी। एयरफोर्स वन जो आपका आएगा फॉर द एयरफोर्स एक्स एंड वाई फॉर द एयरमैन सोल्जर्स, तो ट्रेड जो होगा टेक्निकल नॉन टेक्निकल का जरूर होगा, बट हू द स्टूडेंट्स कैन अप्लाई, ओनली द मेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर द पर्टिकुलर प्रोफाइल, मतलब इसमें फीमेल्स की वैकेंसीज नहीं होती हैं बेटा, इसमें मेल की वैकेंसीज हैं और साथ ही साथ वो ही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जो कि अनमैरिड कैंडिडेट हैं। हाँ, हम बात करते हैं एज क्राइटेरिया की, बच्चों की बड़ी क्वेरी होती है, बड़ा मतलब बच्चों के अंदर कंफ्यूजन है कि क्या बड़ी अपडेट आ रही है, क्या बिग अपडेट है, कि कितना होगा एज क्राइटेरिया, मैक्सिमम अप टू 21, मतलब पूरा आपका सिलेक्शन प्रोसेस 21 के अंडर द एज में कंप्लीट हो जानी चाहिए। मतलब डेट ऑफ बर्थ की अगर हम बात करेंगे तो डेट ऑफ बर्थ आपकी 16th ऑफ जुलाई 2003 से स्टार्टिंग के बीच में, जो बच्चे 31st ऑफ जुलाई 2007 के बीच में ही पैदा हुए हैं, जी बिल्कुल फिर से नोट डाउन करिए, जिनके डेट ऑफ बर्थ 16th ऑफ जुलाई 2003 के बीच से लेके जिनकी डेट ऑफ बर्थ 30th जुलाई 2007 के बीच की है, वही इस एप्लीकेशन मतलब इसके लिए फॉर्म की प्रक्रिया को कंप्लीट कर पाएंगे। ओनली द मेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई, तो आप लोग फिर से तैयार। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लेवल पे कि एग्जाम्स कब होंगे। जी अभी तो आपने देखा कि एयरफोर्स में एग्जामिनेशन आपके बेसिकली एक मंथ के अंदर बड़ी जल्दी जल्दी सिलेक्शन प्रोसेस 1 से 1.5 महीने के अंदर कंप्लीट कर लिया। आपके अंदर ये भी है कि अब क्या होगा, क्या वही 1 महीने का समय मिलेगा, वही 1.5 महीने का समय, नहीं बिल्कुल, as accordingly to the earlier procedure आपकी third week of July में आपके इस examinations को conduct कराया जाएगा, मतलब 2023 के July की third week में आपके इसके examinations होंगे, जहां पे selection process would be same, मतलब selection process फिर से same होगा, जहां पे पहला आपका ऑनलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा एक्स वाई के लिए, देन यू हैव टू अपीयर फॉर द डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड देयर विल बी द पीएफटी एंड द सेम डे दैट वुड बी कंडक्टेड द अडैप्टेबिलिटी टेस्ट फेज 1 एंड 2, मतलब जीडी एंड एसआरटी भी आपका सेम डे पे कंडक्ट होगा, फिर उसके बाद आपका मेडिकल की डेट होगी, तो आपका रिन्यूड मतलब पूरा प्रोसीजर पूरा सेम आपका हो जाएगा, वो आपका कंप्लीट प्रोसीजर होगा, मतलब सिलेक्शन में चाहे सब्जेक्ट्स हो सारी चीजें हो बिल्कुल सेम रहेंगी, चाहे टेक्निकल के लिए इंग्लिश फिजिक्स मैथमेटिक्स हो, नॉन टेक्निकल के लिए आपका इंग्लिश रागा हो, सबको सेम रहेगा, इसके लिए कंफ्यूज होने के लिए जरूरत नहीं है कि कोई सब्जेक्ट्स में चेंज हो रहा है, कोई सिलेक्शन नंबर ऑफ क्वेश्चंस में अटेम्प्ट्स में कोई चेंजेस नहीं हो रहे, बस आपको नोटिफिकेशन का ध्यान रखना है कि कब आपका फॉर्म आएगा, कब आपकी जर्नी बिगिन होगी और कब तक आपको एग्जामिनेशंस के लिए टारगेट करना है। बिल्कुल, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए मैं शुल्क भी बता देती हूँ, 250 रुपीज आप सभी स्टूडेंट चाहे कोई किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट हो, 250 रुपए आपके लगेंगे, जो कि आपको इस फॉर्म को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा पहले, मतलब इस फॉर्म को जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की बात करेंगे तो 12th की ओरिजिनल मार्कशीट के साथ ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं,
जो भी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे उसमें पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स मांगी जाएंगी, आपसे कई डॉक्यूमेंट्स पूछे जाएंगे, उसकी अगर प्रक्रिया पूरी तरीके से फिल नहीं होती है तो फॉर्म्स के बाद आपकी एडमिट कार्ड रिलीज होने पे काफी प्रॉब्लम होती है। हाँ, हम अगर एडमिट कार्ड की बात करेंगे, एडमिट कार्ड जो आपका जारी होता है वो 24 आवर्स से लेके 48 आवर्स के बीच ही जारी होता है। मतलब एग्जाम की जो डेट होती है, एग्जाम की डेट से 24 घंटे से पहले या फिर 48 आवर्स के अंदर, मतलब 24 टू 48 आवर्स के अंदर ही आपकी एग्जाम्स डेट से पहले आपका एडमिट कार्ड जारी होता है। इसकी प्रक्रिया आप सभी को पता है कि एडमिट कार्ड कैसे जारी होता है, तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। ये एयरफोर्स की जो नई भर्ती आ रही है उसके लिए आप तैयारी शुरू करिए, क्योंकि आपके 2022 में अब कोई नए फॉर्म नहीं आने वाले हैं। आप इसके दिमाग में बिल्कुल मत रहिए। अब आपको जो नई भर्ती आएगी वो 2023 के लमसम ही आएगी है, तो आप उसको टारगेट करिए और पढ़ाई करिए। आप इस चीज के लिए अपने सिलेक्शन प्रोसेस को अपना टारगेट करिए। आप और अधिक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रह सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। देश प्रेम का जज्बा, साहस, सफलता से बढ़कर जिनमें है राष्ट्र की सेवा का संकल्प, उन्हें फौजी बनाएंगे हम। हम हैं कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज, इंडियाज बिगेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अग्निपथ स्कीम, योर चांस टू वेयर मिलिट्री यूनिफॉर्म। एडमिशन ओपन फॉर NDA, CDS, FCAT, CAPF, अग्निवीर, SSB इंटरव्यू, फिजिकल ट्रेनिंग। विजिट कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी, टैगोर टाउन, प्रयागराज, और कॉल 9415402422।